नेपाल के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बुधवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब डोमेस्टिक टर्मिनल के अंदर संदिग्ध वस्तु होने का दावा किया गया। दरअसल एक फ़ोन कॉल के बाद पूरे एयरपोर्ट पर हरकंप मच गया। फ़ोन कॉल के जरिए कहा गया कि यह संदिग्ध चीज़ प्लांट की गई है। बाद में पता चला कि फ़ोन पे ये कहा गया है कि एयरपोर्ट टर्मिनल पर 5 से 6 बम प्लांट किए गए हैं, इनमें कभी भी धमाका हो सकता है। सूचना मिलते ही अफरा तफरी का माहौल बन गया। आनन फानन में घरेलू टर्मिनल को खाली करवाने का फैसला ले लिया गया। एयरपोर्ट पर आए फ़ोन कॉल के तुरंत बाद यात्रियों और कर्मचारियों के सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकालने की कार्यवाही शुरू कर दी गई। जब टर्मिनल खाली करवा दिया गया तो उसके बाद मामले की खोजबीन शुरू की गई। फ़ोन पर दावा किया गया कि एयरपोर्ट के घरेलू टर्मिनल के अंदर संदिग्ध वस्तु है। फ़ोन कॉल की भी जांच शुरू हुई। एयरपोर्ट के सिर्फ प्रेमनाथ ठाकुर ने कहा कि किसी ने मजाक के तौर पर बम को लेकर फ़ोन कॉल किया था, यानी फ़ोन पर किया गया कॉल फेक निकला। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से जो भी ज़रूरत कदम थे वो तुरंत उठाए गए। जाँच के दौरान पूरे एयरपोर्ट पर कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। सब कुछ स्पष्ट होने के बाद घरेलू उड़ान सेना को फिर से शुरू किया गया। नेपाल न्यूज़ ने एक अधिकारी के हवाले से बताया कि एयरपोर्ट अधिकारियों को किसी अज्ञात शख्स ने फ़ोन किया था, जिसने कहा कि डोमेस्टिक टर्मिनल में 5 से 6 बम है। इसके बाद सुरक्षा अधिकारी मौके पर आए और बम की तलाश करना शुरू किया, लेकिन उन्हें यहाँ ऐसा कुछ नहीं मिला। वहीं अब अथॉरिटी यह पता लगाने में जुटी हुई है कि फ़ोन कॉल आया कहाँ से था। हवाई अड्डे के प्रमुख प्रेमनाथ ठाकुर ने कहा कि एक फर्जी बम कॉल था। ऑल क्लियर दिए जाने के बाद घरेलू सेवाएं भी फिर से शुरू की गई हैं।